ये रहे भाई, देख लो देखो, ये फिर वही प्रॉब्लम होगी। देख, स्लिप दे रहा हूँ लेकिन चल नहीं रही, बड़ी समस्या होगी यार ये तो। ये जब से सर्विस करा के लाए तब से प्रॉब्लम है भाई। शुक्र है परमात्मा का, जय संत भोलेनाथ के, ओम सूर्य ओम भास्कर ओम अध्याय नमः, जय हो सूर्य देव की। पंछी दिख रहे हैं, देख कैसे मस्त दिख रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। तो नमस्कार मित्रों, फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब मजे में होंगे, मजे में रहने भी चाहिए, क्यों नहीं, तो करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो भाई देखो, पहली बात तो मैं बताऊँ, अपना जवासीता जो है ना बढ़िया एवरेज देता है। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, विश्वास नहीं कर पाओगे, सही बताऊँ तो मैंने इसमें डलवा था 8 लीटर तेल डलवाया था। ओहो, गोवंश गोवंश, बच गए बच गए। तो मैं ये कह रहा था, मैंने इसमें 8 लीटर तेल डलवाया था और ट्रिप 1 को 0 कर दिया था। अब विश्वास करो ना करो भाई, मैंने तो 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए नापता हूँ। और उस 8 लीटर में मतलब 815 का एक चेक जो तेल था वो आया था, तो 815 में देख लो कितना आता है। थोड़ा वो तो 8 से थोड़ा ऊपर आता होगा, 8.25 आता होगा। और अभी बाइक चल पड़ी मेरी 281, ठीक है। और ये जो बार एंड है ये एक रह गया था तब मैंने डलवा था, और एक तो अभी है भी नहीं, अभी चल ही रहा है। तो 281 को अगर 8 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 4 32, तो 8 3 24, 3 तो वो रह गया और 24 4 42, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 5 40, 35 की एवरेज भाई साहब, 35 की एवरेज निकाल के दे दिया इसने। और क्या लूटोगे यार। और मैंने तो इससे ना भाई 40 प्लस भी लिए, 40 प्लस इन द सेंस ये 41 और 42 की भी एवरेज मैंने इससे निकाली है भाई। फुल टैंक में मेरी बाइक 360 किलोमीटर चलती है भाई, इसमें मैं रिजर्व को नहीं ऐड कर रहा, तो वो पड़ा ही रहता है। ओ भाई देखा, अगर ये बाइक ना होती तो घुस जाती इसके अंदर, नमस्ते करते फिर दोनों आपस में। तो भाई इतनी मस्त एवरेज देती है, और क्या चाहिए यार। और भागने में ऐसे जाती है ज़्यादा, देखो। और यार आज ना, आज दिन थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरा, क्योंकि आज मेरे को जाना है दिल्ली। दिल्ली जाएंगे झंडे वाला मेट्रो से जाएंगे, और क्या कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स आते हैं तो मैं कैप्चर करूँगा, और आप लोगों से बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, मज़ा आने वाला आज तो। और वो भी मैं बताऊंगा, काम हो गया तो उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि मैं क्यों गया था, अगर काम नहीं हुआ तो हिंट दे दूंगा थोड़ा सा मैं। और क्या, पास और फेल का है ये समझ लो, एग्ज़ाम है, ठीक है। और वो एग्ज़ाम किस चीज़ का वो मैं आने के बाद ही बताऊंगा, उसका रिजल्ट आने के बाद कि भाई रिजल्ट में क्या रहा, पास रहे या फेल रहे। पास हो गए तो भाई बता देंगे कि भाई इस चीज़ का एग्ज़ाम था, और फेल हो गए तो बस ठीक है भाई, एग्ज़ाम में फेल हो गए, इतना नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने पास टिक से, ठीक है। इतना सा अपडेट है आज के लिए। आज इस टाइम पे धूप निकली है, हाँ काफ़ी दिन, मज़ा आ गया भाई। ओ भाई रोड बीच में ख़राब हो गई, और यही पे रिपेयर भी कर रहे हैं भाई साहब, और थोड़ा सा साइड में भी करने की हिम्मत नहीं, या चाहा ही नहीं, पता नहीं। अभी यहाँ से चलते हैं, तो अभी झंडे वाला ना आ चुके हैं भाई, ठीक है, मज़ा तो आ रहा है इसी में। और ये देखो सामने, ये झंडे वाला स्टेशन, ऐसा कुछ नज़ारा भाई देख रहे सामने, ये एग्जिट पॉइंट, और ऐसा कुछ नज़र है। अब यहाँ से सीधा चलना है, हालत भी बुरी हो गई है, और ऐसे बैठे हुए। अब मैं एरिया दिखा देता हूँ, आप गैस करूँ मैं क्या करने आया हूँ। ये ऐसा कुछ एरिया है देखो, ऐसे ऊपर तक की बिल्डिंग है। अब बता दो गैस कर क्या करने आया हूँ, शायद आ भी गया इसमें, हाँ आ ही गया। तो बताओ क्या करने आया हूँ। तो ऐसा है भाई माहौल, कुछ ऐसा खास तो रहा नहीं, बस बोर हो के आ गए इसी गई में बैठ के आई बस, ठीक है। तो मित्रों मैं आया था इंश्योरेंस एजेंट का टेस्ट देने, NACIT का, और वो टेस्ट हमारा क्लियर हो गया। कितने नंबर से वो नहीं बताऊंगा, अच्छे खासे होते मेरे को भी तो बताता, बट अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं। खुशी तो हुई है, एक एजेंट बन गए हैं कंपनी के किसी के। तो अभी मेट्रो आ जाती है फिर चलते हैं। अब मेट्रो का ये देख लो, बड़ा बिल्कुल पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, और थोड़ी देर में अपनी मेट्रो आ जाएगी, फिर मेट्रो में चलते हैं। और हमारी मेट्रो आ गई है, ये देखो, आओ जी आओ आओ,
काफ़ी दूर दिख रही थी, एकदम से आ गई। तो मैं कहा चलो अभी शुरू कर देते हैं, अभी वो आप इन्जॉय कर रहे होगे, लेकिन दिखाया तो क्या, यही दिखाया बस, टेस्ट का, टेस्ट क्लियर हुआ है, बाकी तो हमने कुछ दिखाया नहीं, ऐसा कुछ है ये। ठीक है चलो, तो बैक टू अपने डेस्टिनेशन वही आ रहे हैं अभी। ठीक है, कीर्ति नगर आ गए हैं, अब यहाँ से चेंज कर लेंगे, बस इतना ही है दिखाने को। या भाई ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि कई जगह रिस्ट्रिक्शन भी है, रोक देते हैं कि आप रिकॉर्ड मत कीजिए, ये है बस। ये कॉरिडोर ऐसा लगता है जैसे भाई VIP है, मतलब कि एयरपोर्ट वाला कॉरिडोर ऐसा बना रखा है, बस वो है ड्यूटी फ्री वगैरह चीज़ें नहीं ना थी, सेम वैसा ही है। मज़ा, कई सारी दुकानें बंद भी है, ऐसी बात नहीं, अब पहुँच ही गए बस, ऐसा कुछ नज़ारा भाई। आएगी अपनी गाड़ी पीछे, तो स्नैक्स वगैरह की शॉप है, बस इतना ही है। इस मेट्रो एंडिडर पे यार देखना थोड़ी देर में, चलो चलते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा पूरा जर्नी, तो अभी चलते हैं, अभी वापस से कीर्ति नगर जाएगी, ये इसका रूट है। ठीक है ना, तो पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन, अब बाइक उठाते हैं और चलते हैं।